हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इमरान अथर और आप सबका मेरे चैनल टेक्निकल सिमरा में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ई सिम के बारे में। अभी सुर्खियों में ई सिम का बहुत बोलबाला है, लेकिन सटीक और पूरी जानकारी नहीं होने के कारण लोगों को ई सिम के बारे में ठीक से पता नहीं चल पा रहा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके सारे डॉट्स को क्लियर करेंगे और आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये ई सिम क्या है और कैसे काम करता है, ये नॉर्मल सिम से किस तरह अलग होता है, क्या अब पहले वाला सिम जिसे हम अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं वो काम करेगा या नहीं, कौन कौन से मोबाइल डिवाइस में काम करेगा ये ई सिम, कैसे हम अपने फ़ोन में ई सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस ई सिम के क्या फ़ायदे और किस तरह के नुकसान है, इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ई सिम होता क्या है। ई सिम को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि हम जो सिम कार्ड अपने फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसके अंदर वो जानकारी होती है जो टेलीकॉम ऑपरेटर को आपकी पहचान बताती है। उसके बाद ही ऑपरेटर हमें अपना नेटवर्क इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। उसके बाद ही हम फ़ोन में कॉल या मैसेज कर पाते हैं और इंटरनेट चला पाते हैं। ई सिम बस इसी का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। ई सिम का फुल फॉर्म होता है एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये कोई फिजिकल सिम कार्ड नहीं होता है, ये एक चिप की तरह से काम करता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है जिसे आप टेलीकॉम कंपनी से ले सकते हैं। इस ई सिम को नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टेड कंज्यूमर डिवाइसेस का सिम कहना भूल नहीं होगा। ई सिम को सही रूप से चलने के लिए एक नेटवर्क या कैरियर की जरूरत होती है। आजकल के नए फोन में एक चिप पहले से लगी होती है जिसे टेलीकॉम नेटवर्क पर रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसके बाद आप किसी को भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं और इंटरनेट चला सकते हैं। आपको अलग से सिम कार्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ई सिम का नेटवर्क बदल भी सकते हैं और मनचाहे टेलीकॉम नेटवर्क में रजिस्टर भी करा सकते हैं। एक ई सिम बेसिकली एक छोटे चिप की तरह ही काम करता है। ई सिम के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होता है वो रिवराइटेबल होता है। इसका मतलब कि आप एक सिंपल फोन कॉल से ही ऑपरेटर बदल सकते हैं। साथ ही इसमें आसानी से कोई भी डेटा प्लान ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा ई सिम को आपके मोबाइल अकाउंट के साथ कनेक्ट करना मिनटों की बात होती है। इस ई सिम को आप सेकेंडरी सिम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने फोन में नॉर्मल कार्ड के साथ इस ई सिम को भी यूज कर सकते हैं। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप नॉर्मल सिम में करते हैं। ई सिम आपके डिवाइस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज है। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तब आप इस ई सिम का इस्तेमाल एक छोटे से डिवाइस में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिम कार्ड को रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा सिम ट्रे की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही आसानी से इसमें मैन्युफैक्चरर को नेटवर्क के लिए बहुत सारे सिम कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होती। ई सिम आपके दूसरे डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप और टैबलेट के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बिना फिजिकल सिम कार्ड के ही सीमलेस कनेक्टिविटी प्राप्त की जा सकती है। ई सिम के माध्यम से बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ ही इसे कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ई सिम को एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं कि किन डिवाइसेस में ई सिम का इस्तेमाल किया जा सकता है। एप्पल ई सिम की कनेक्टिविटी का इस्तेमाल अपने मोबाइल और वॉच में बहुत पहले से ही कर रहा है और अब लगभग सभी नए फोन में इसे अपडेट किया जा रहा है। ई सिम का इस्तेमाल आप अपने नए मोबाइल में भी कर सकते हैं। ई सिम रेगुलर ट्रैवलर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ई सिम के मदद से एक रेगुलर ट्रैवलर को बहुत आसानी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक ट्रैवलर्स का काम ही है कि दूसरे देशों को घूमने जाना, वहीं उन्हें सिम को लेकर हमेशा तकलीफ होती है। साथ में नई सिम लेना और पुराने को निकाल कर नए को लगाना, वहीं बहुत सारे चार्जर्स भी लगते हैं जैसे कि रोमिंग चार्जर्स। इन सभी तकलीफों से बचने के लिए ई सिम एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है। इसे एक्टिवेट करना बहुत ही आसान है और इसमें फिजिकल सिम की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा ई सिम को आसानी से बहुत सारे डिवाइसेस से कनेक्ट किया जा सकता है। ई सिम के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे इसमें एक यूज़र बहुत ही जल्द दूसरे ऑपरेटर को स्विच कर सकते हैं बिना किसी सिम कार्ड के वो बदले। ट्रैवलर्स के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। ज़्यादा डिवाइसेस को एक साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है और स्मार्ट वॉच भी है तब आप इन दोनों को एक ही सिम से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें रिमोट प्रोविजनिंग की सुविधा होती है जिससे आपको पुराने सिम को डीएक्टिवेट होने तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि नए ई सिम को आसानी से एक्टिवेट किया जा सकता है। यह सिम कार्ड फोन के साथ एम्बेडेड होता है, इसलिए यह सब्सक्राइबर के सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर किए हुए होता है।
जो कि मोबाइल सब्सक्राइबर को आइडेंटिफाई और ऑथेंटिकेट करने के लिए ज़रूरी होता है। नए सिम के लिए आपको सिम कार्ड बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप बिना चेंज किए ही ये कर सकते हैं। ई सिम बाकी सिम कार्ड की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित भी होता है। अब बात करते हैं ई सिम से हो सकने वाले परेशानियों के बारे में। जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए ई सिम के भी दो पहलू हैं। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं और आप अपने ऑपरेटर्स रेगुलर इंटरवल में बदलते रहते हैं, तब ये आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। अगर आपके फ़ोन की बैटरी लो है और आप अपने ई सिम को किसी दोस्त के फ़ोन से कनेक्ट करके कोई कॉल करना चाहते हैं, तब इसमें थोड़ी तकलीफ आ सकती है, क्योंकि सिम कार्ड एक्टिवेट होने में थोड़ा समय लगता है और ये ज़्यादा फास्ट और आसान भी नहीं होता। ई सिम को एक्टिवेट करने के लिए आपको ऑपरेटर से कॉन्टैक्ट करना होगा और उनके द्वारा भेजे गए यूज़र आईडी और पासवर्ड को इंटर करने के बाद ही आप सिम को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ई सिम को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल थे, उन सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ई सिम को कैसे ले सकते हैं और इस ई सिम के लिए रिक्वेस्ट कैसे किया जाता है, तो आप हमारे चैनल टेक्निकल सिमरा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ई सिम के लिए रिक्वेस्ट कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।